हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलरव कक्षा चार का पाठ तीन, जब मैं पढ़ता था। तो बच्चों, ये पाठ है महात्मा गांधी जी के बारे में, और उनको हम सब जानते हैं, उनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो इसमें महात्मा गांधी हम लोगों के साथ अपने उस समय की कुछ बातें साझा कर रहे हैं जबकि वो छोटे थे और पढ़ते थे। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और वो राजकोट के दीवान थे। और राजकोट बच्चों कहाँ है, गुजरात में। वे सत्यप्रिय यानी कि हमेशा सच बोलते थे, साहसी यानी कि किसी से डरते नहीं थे, और उदार व्यक्ति थे। उदार का मतलब होता है कि लोगों की मदद करते थे। वे सदा न्याय करते थे यानी कि जो सही व्यक्ति होता था उसी का साथ देते थे। मेरी माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। स्वभाव मीन्स होता है आदत। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। धार्मिक मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास करे। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं ना, तो 2 अक्टूबर सन 1869 को उनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर में। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तो उनके पिताजी नौकरी करते थे, तो पोरबंदर से फिर वो राजकोट चले गए। तो जब उस समय महात्मा गांधी की उम्र कितनी थी, 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। संकोची का मतलब होता है जो अपनी बात को जल्दी ना कह पाता हो। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। बच्चों, बायोस्कोप एक ऐसा होता है जिसमें कि चित्रों के माध्यम से हम मूवी जैसे पिक्चर होती है उस तरह को दिखाते हैं बड़ा करके। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। श्रवण कुमार का चित्र आपने भी देखा होगा। एक कांवर, एक लड़का है जो कांवर लेके जा रहा है, और उसमें एक तरफ उसके माता बैठे हैं और पिताजी बैठे हैं। वो अपनी माता पिता की इतनी सेवा करते थे, इसीलिए वो सबके बीच में जाने जाते हैं। इन बातों का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। सत्य हरिश्चंद्र बेटा एक राजा थे जो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। बार बार उसे देखने की इच्छा होती, हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बन जाए। सत्यवादी का मतलब होता है जो कभी 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 भी झूठ ना बोलता हो। यह बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। लाभकारी मतलब अच्छा होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। तो बच्चों, अगर आप भी सैर करने जाएंगे सुबह सुबह तो आपका भी शरीर मजबूत बन जाएगा। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। तो बच्चों, महात्मा गांधी पहले बचपन में ये सोचते थे कि पढ़ाई के लिए राइटिंग बहुत अच्छी थोड़ी ना होनी चाहिए, लेकिन ऐसा वो गलत सोचते थे। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देख के मैंने बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। यानी कि अगर आपके अक्षर अच्छे नहीं है, राइटिंग अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी होशियार हों फिर भी थोड़ा थोड़ा सा आपकी राइटिंग को देखकर लोग अच्छा महसूस नहीं करते हैं। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयास किया। प्रयत्न मतलब होता है कोशिश, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है, यानी कि पके घड़े पर कोई सुधार नहीं हो सकता है। सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है जिसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। तो बच्चों, आप भी सुलेख जरूर लिखा करो। एक पेज सुलेख जरूर लिखा करो जिससे आपकी राइटिंग भी बहुत सुंदर हो जाए। और इसके लिए चित्रकला भी यानी कि छोटे छोटे चित्र भी बनाने चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यह अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। आचरण मीन्स होता है बेटा व्यवहार। इससे यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों में कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड का मतलब होता है सजा दे, तो मेरे लिए यह असह्य था। असह्य का मतलब जो आपको अच्छा ना लगे, आप सहन ना कर पाएं। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख नहीं था ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया। इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। तो देखा बच्चों, महात्मा गांधी कितने संवेदनशील थे। कक्षा पहली और दूसरी में ही वो इस तरह की बातें सोचते थे। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। अनुशासन का मतलब होता है नियम कानून।
फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। विद्यार्थी मतलब होता है छात्र, जैसे कि मेरे लिए आप मेरे विद्यार्थी हो। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे, उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मेरा मन इन चीज़ों में नहीं लगता था, मतलब वो व्यायाम और क्रिकेट नहीं करना चाहते थे। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ ना जाने मेरा संकोची स्वभाव ही कारण था। वो संकोची थे तो शायद इसलिए नहीं जाते होंगे। तो अब मैं ये देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। अरुचि का मतलब होता है जो काम अच्छा ना लगे करने में, उसको अरुचि कहते हैं। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये सब वो गलत सोचते थे बेटा। अगर व्यायाम करेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, और शरीर अच्छा होगा तो हमें पढ़ने में मन लगेगा। तो यानी कि शिक्षा का व्यायाम से संबंध है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। वो अपने पिताजी की सेवा करना चाहते थे। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता था। देखा कितने अच्छे थे। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। विघ्न मीन्स होता है रुकावट, मतलब व्यायाम करने से वो अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाते थे, उसमें रुकावट आती थी। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, आकाश में बादल थे, इसके लिए समय का पता ना चला, बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उससे नहीं माना और मुझे एक या दो आना, ठीक याद नहीं कितना दंड देना पड़ा। आना का मतलब होता बेटा जो पैसे पहले चलते थे, सिक्के होते थे, उनको आना कहते थे, एक आना या दो आना। तो ये फाइन लगा करती थी, जब किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती थी तो उसको उसके पैसे भरने पड़ते थे। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। भारी दुख का मतलब होता है उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ या कैसे सिद्ध करूँ। सिद्ध करना का मतलब होता है कि अपनी बात को कैसे वो साबित करें। कोई उपाय नहीं था, उपाय का मतलब होता है तरीका। मैंने मन मार कर रह गया। बात में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो ये पाठ किसने लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो हमारे गांधी जी का जो पूरा नाम था वो यही था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो अब हम आते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। तो आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिखेंगे, कक्षा 4 ये नहीं लिखेंगे, यहाँ से करेंगे पाठ 3 जब मैं पढ़ता था। और कठिन शब्द हैं ये सारे, तो इन कठिन शब्दों को लिखेंगे और इनको पढ़ेंगे, बार बार लिखने की भी कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शब्द अर्थ और बीच में ऐसे लाइन करेंगे और आप ये लिखेंगे। देखिए, अप्रसन्न का मतलब होता है नाराज या गुस्सा। सत्यवादी का अभी मैंने बताया कि जो हमेशा सच बोलता हो, सत्य बोलने वाला। अनिवार्य का मतलब होता है जो टाला ना जा सके, यानी कि बहुत 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 ज़रूरी काम होता है उसको अनिवार्य कहते हैं। बहंगी मतलब होता है कांवर। असहे, जो सहन करने योग्य ना हो, मतलब जिसको सहन ना किया जा सके। गर्व मीन्स होता है अभिमान। अरुचि मीन्स होता है रुचि ना होना या अच्छा ना लगना। बायोस्कोप, तस्वीर दिखाने का एक यंत्र। तो बच्चों अब आते हैं हम प्रश्नों पर। तो प्रश्न पहला है, देखिए, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद नाटक को देखकर क्या निश्चय किया? उत्तर है, सत्य हरिश्चंद नाटक देखकर गांधी जी ने हरिश्चंद की तरह सत्यवादी बनने का निश्चय किया। और आप इसी तरह से इसको लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? गांधी जी के अनुसार सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। बालक चित्रकला सीखकर चित्र बनाना सीख जाए और उसके बाद अक्षर बनाना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। ये इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न क्या है, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? यानी कि हमें गांधी जी के बारे में क्या क्या पता चलता है इस बात से? तो इस बात से ये पता चलता है, देखो, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के सत्यप्रिय, यानी कि वो सच बोलते थे, अहिंसावादी, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि वो अपने कर्तव्य के लिए बहुत ही संवेदनशील थे, दृढ़ प्रतिज्ञ, जो सोच लेते थे वो करते थे। दृढ़ प्रतिज्ञ का मतलब यही होता है, माता पिता की सेवा करना, और देशभक्त होने जैसे गुणों का पता चलता है। अब देखिए, भाषा के रंग, धर्म शब्द में इक लगाकर
लगाने पर धार्मिक बनता है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए बनाइए। तो ये जो बेटा पीछे किसी के इक वगैरह ये लगा होता है, इसको हम कहते हैं प्रत्यय। तो मास में अगर इक जोड़ देंगे तो हो जाएगा मासिक, पक्ष में इक जोड़ देंगे हो जाएगा पाक्षिक, वर्ष में इक जोड़ देंगे हो जाएगा वार्षिक, और सप्ताह में इक जोड़ देंगे हो जाएगा साप्ताहिक। शब्दों के लिए